हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि आरोही की एडवाइजर मैं हूँ आरोही। दोस्तों आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ए और बी के कपल के बारे में यानी ए प्लस बी के बारे में हम बताएंगे कि ए और बी कपल कैसे होते हैं, क्या होती है इनकी खूबियां और खामियां, टॉप सीक्रेट सब कुछ खुल जाने हैं। आज यहाँ पे वीडियो के साथ जरूर बने रहना। अगर आपका भी कपल ए और बी नाम से है ना, वीडियो को पूरा देख के जाना, आप भी जान जाओगे कि कैसे हैं ये दोनों और कैसी होने वाली है आपकी फ्यूचर बॉन्डिंग। लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू होगी, आप वीडियो को लाइक तो करो, कंजूसी दिखाते हो, कंजूसी ना किया करो। आपको बता दो वीडियो को लाइक किया करो और हाँ सब्सक्राइब का बटन तो दिख ही रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाओ। दोस्तों ए और बी अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर यानी ए और देन उसके बाद आता है बी यानी टू सेकंड लेटर। आपको बता दो एक इवन तो दूसरा ऑड और उनका नेचर भी थोड़ा है इसी तरह इवन ऑड और इवन ऑड की जोड़ी काफी अच्छी होती है। दोस्तों आपको बता दो ये पूरा वीडियो एक्सपर्ट के द्वारा वैसे यानी कि सारी रिसर्च हो चुकी है और ये चीजें तभी मैं आपके सामने लेके आती हूँ और आपको इस पूरी वीडियो को सुनते ही ना पता चल जाएगा कि हाँ अरुण तो सच बोलती है, सच्ची बोल रही है, पूरी की पूरी क्वालिटी मैच हो गई। ए नंबरों की बात कर ले तो ए यानी फर्स्ट लेटर अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। इनके बात करने के तरीके के बारे में बताओ, सुपर, किसी को भी अपना दोस्त बना ले, इनसे दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है और दुश्मनी जल्दी होती नहीं है क्योंकि ये दिल पे कोई बात रखते नहीं है। अब बात करें इनके लव नेचर के बारे में, रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं होते, शाहरुख खान वाले रोमांटिक नहीं होते, लेकिन हाँ बता दूँ दिल से बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल इनका काफी बड़ा सा होता है, किसी को भी माफ करने वाले, लेकिन उसी के साथ जिसको अपने दिल पे बसाएंगे ना फिर उसके बाद किसी और के लिए जगह भी नहीं रखते, हमेशा उसकी ही तारीफें और उसके बारे में हमेशा जेन्युइन लॉयल्टी के ही मालिक होते हैं, हमेशा लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। तो ए नंबर पे भरोसा आंख मूंदी कर लो, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं बी ने वालों के लिए यानी के सेकंड नंबर बड़ा सा बी। बी नेम वाले ना बहुत ही क्यूट होते हैं, ऑलवेज जस्ट लाइक अ स्माइल, जैसे इनके ना बी नेम पे स्माइल बना होता है ना वैसे काफी स्माइली फेस होता है इनका, स्माइली नेचर, हमेशा हंसना पसंद, हंसाना पसंद, खुश रहना पसंद, कभी भी ये नहीं सोचते किसी को गम में डूबना या फिर किसी को हर्ट करना, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है और ये स्माइली फेस के मालिक होते हैं। बी नेम वालों की अगर हम बात करें इनके लव लाइफ के बारे में, हाय काफी बार इनका दिल टूटा हुआ होता है, दिल टूटता है लेकिन फिर जुड़ भी जाता है, यानी कि ये जल्दी जल्दी दोस्तियां करते हैं, लव लाइफ में जल्दी एंटर कर जाते हैं, लेकिन अगर कोई चला भी जाए तो फिर गम नहीं खाते, जाने दो एक क्या दूसरा आ जाएगा और उसी तरह का नेचर होता है। लेकिन हाँ ये सब पे विश्वास नहीं करते पूरी तरह से, ये अपनी दुनिया में ही ना मौज करना काफी पसंद करते हैं। अगर हम बात करें इनके पार्टनर के बॉन्डिंग के साथ तो ये प्रॉमिस निभाने वालों में से होते हैं, यानी वादा तो कर दिया अब हम निभाएंगे, और इसके साथ ही बता दूं कि ये आपको खुश रखने वाले में से होते हैं। अगर ए और बी नाम वालों की बात करें तो ए नाम वाले थोड़े जेंटल नेचर के हल्के से होते हैं और मतलब कि ज्यादा खुलते नहीं है कोई भी सिचुएशन में, लेकिन बी नाम वाले उतने ही उछल कूद करने वाले, उतने ही खुश रहने वाले, तो दोनों जो है ना वो काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है इनके, और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी इसलिए भी होती है कि एक थोड़ा चुप रहता है, एक कुछ ज्यादा बोलता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए काफी अच्छे होते हैं इस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके ए और बी नाम वाले से अगर बॉन्डिंग है, आपका रिश्ता होने वाला है, आप फ्यूचर में साथ होने वाले, तो आपको इनकी क्वालिटीज तो पता चल गई, तो आप अब डिसाइड करो कि ये कैसे होंगे आपके लिए, और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, उम्मीद करती हूँ हेल्प मिली होगी, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हो ए और बी नाम वालों के साथ। अगर आपकी बॉन्डिंग है या फिर आप भी सोच रहे हो कि इन दोनों की केमिस्ट्री है यानी ए और बी के साथ आपका भी फ्यूचर होने वाला है, तो जरूर से जरूर आप उनसे शादी करो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको ए और बी नेचर वाले में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, आपकी बॉन्डिंग किससे ज्यादा अच्छी है, या फिर खुद आपका नाम अगर ए और बी नाम से है ना बिना कमेंट किए मत जाना, कमेंट करो अपना नाम, जस्ट लाइक अ विनोद, जैसे विनोद ने किया था, फेमस हो गया बंदा दिन ब दिन, आप भी हो जाओगे, कमेंट जरूर करना। उसी के चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट पे लिखना कि आपको किस नेम के बारे में जानना है, फुल स्टडी करके आऊंगी, सारी बात बताऊंगी। इसी के साथ आरोही लेती है विदा, चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।